जो साथी थे एक बात को लेके कि हमारी जॉब कब मिलेगी, हमारी नौकरी कब मिलेगी। सरकार बार बार आश्वासन देती है, बार बार वार्ता होती है, परंतु वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। उसी प्रकार रोज़ साथियों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से वार्ता का न्योता भी नहीं आया। सरकार बार बार गुमराह कर रही है, अधिकारी कह रहे हैं कि फाइल तैयार है, तो कहाँ दिक्कतें आ रही हैं कि अधिकारी फाइल को ओपन नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री गहलोत जी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तमाम जानकारी आज अधिकारियों से, मंत्रीगणों से मिलने के बाद पता चला कि आज सुबह सुबह हमारे साथी राजेंद्र बुड्ढा जी से मुलाकात की, और आज दोपहर के बाद में शाम को सचिवालय के अंदर बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे मंत्रियों के साथ में मुलाकात हुई। सभी जो मंत्री अधिकारी उनकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा, और जो साथी चिंतित थे उन साथियों के लिए भी बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली है। और लगातार जो 109 दिन का संघर्ष, पिछले 91 दिन शहीद स्मारक और शहीद स्मारक के बाद में आज लगातार 18 दिन से बाहर जो साथी लगातार डटे हुए हैं, आज भी पूरे दिन 50 से 60 संख्या के अंदर मेरे साथ में तमाम साथी मौजूद थे। और भी जयपुर के अलग अलग कोने के अंदर हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायक साथी अभी भी 400 से 500 संख्या के अंदर रुके हुए हैं। उन जो भी साथी रुके हुए हैं उन तमाम साथियों के लिए एक बार मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो अभी भी इस मुसीबत के बाद में भी यहाँ पे डटे हुए हैं और अपनी नौकरी के फरमान के लिए यहाँ पे अड़े हुए हैं। और मैं इन सभी साथियों से और जो घर बैठे साथियों से तमाम साथियों को सूचना देना चाहता हूँ कि साथियों, जिस मकसद को लेकर अपन पिछले 31 मार्च के बाद में यहाँ बैठे हुए हैं, वो मकसद भी अपना बहुत जल्द पूरा होगा। साथियों, मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि सर्वप्रथम सत्य डोगरा मैडम से मुलाकात हुई, और आरती डोगरा मैडम ने चीफ सेक्रेटरी ललित जी को फ़ोन किया और उन्होंने बताया। उसके बाद में आरती डोगरा मैडम ने बताया कि आप लोगों का काम हो रखा है। तो साथियों, अधिकारी कोई भी